ज्यादा खाना इज नॉट अ सच्चा फूडी है, हमेशा खाना एक सच्चा फूडी होता है। तो तुम्हें ना एक मास्टरमाइंड चाहिए जो तुम्हारी पतंग ऊपर लगाए और फिर ऊपर किसी की पतंग रहने ना दे, जो बहुत बड़ा था लाल कलर का। लाल कलर का कौन सा बर्गर होता है यार? खा साले। नहीं 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 खा, स्वाद लेके खा रहा हूँ। अरे सुबह से खाता रहूँ मैं, स्वाद देता हूँ। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। मैं तुम्हारा अंकित, अपना अंकित नवे व्लॉग के साथ आ गया हूँ। और अभी अभी मैंने अपना ऑफिस का काम फिनिश कर दिया है, तो मैंने सोचा व्लॉग स्टार्ट करते हैं। और मानो या ना मानो, कसम से कह रहा हूँ, इतनी नींद आ रही है ना, इतनी नींद आ रही है, मन कर रहा है बस सो जाऊँ। पर नहीं, हमें काम करना है, हमें दबा के काम करना है, इसलिए अभी मुझे बाहर जाना पड़ेगा, बाहर निकलना पड़ेगा। देखते हैं बाकी सब क्या कर रहे हैं, व्लॉग बनाते हैं थोड़ा और उठ जाते हैं। ज़्यादा देर लेटा तो मुझे नींद आ जाएगी। आज ना मैं तुम्हें पहले दिखाता हूँ कि मैं कहाँ पर बैठकर अपने ऑफिस का काम करता हूँ। एक दिन में प्रॉपर व्लॉग में तुम्हें दिखाऊंगा कि मैं पूरा दिन काम करता क्या हूँ, पर आज मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मैं काम कहाँ पर बैठकर करता हूँ। रुको, फिलहाल जो तुम ये देख रहे हो ये है मेरा, मैंने यहाँ पर गद्दा डाला हुआ है और मैं यहीं पर अपना काम कर रहा था पूरा टाइम। क्योंकि अगर बेड पर बैठ के करो ना काम या लेट के करो, भाई नींद आ जाती है और फिर काम नहीं होता, इसलिए मैं साइड में अपना गद्दा लगाया हुआ, वहाँ पर बैठ के आराम से काम करता हूँ। और जैसे काम पूरा हो जाता है फिर व्लॉग के लिए स्टार्ट करते हैं। तो फिलहाल चलो बाहर चलते हैं, देखते हैं कौन क्या क्या कर रहा है और फिर काम शुरू करते हैं ना, व्लॉग बनाते हैं। कोई भी नहीं मिल रहा, पता नहीं सारे कहाँ गए। यहाँ देखता हूँ, यहाँ भी नहीं है, अनु भी नहीं है, रोनी भी नहीं है, पता नहीं कहाँ गए। वॉशरूम में तो नहीं गए, छुपे हुए वॉशरूम में भी नहीं गए हुए। मॉम से पूछना पड़ेगा ये गए तो गए कहाँ। माँ हाँ? रोनी और अनु का मार्केट गए हुए हैं। दोनों एक साथ ही गए हुए क्या? नहीं, अलग अलग गए हुए हैं। कब आएंगे? क्या पता भाई कब आएंगे, आ जाएंगे थोड़ी देर में, 5-10 मिनट में। मैंने पूरा घर चेक कर लिया, मुझे कोई मिला ही नहीं, मैंने सोचा मॉम से पूछा जाए। भाई तुझे घर में मैं ही मिलूंगी, और कहाँ तुम घर में टिकने वाले हैं, कोई इधर कोई उधर। सही बात है, घर में कोई मिले ना मिले मॉम मिलती है और मामी मिलेगी। चलो छत पे चलते हैं फिलहाल तो ना। मैं छत पे जा रहा हूँ, तू भी आ जा। अभी अभी सुनने में रोनी बाहर गया और ना सच बता रहा हूँ बर्गर खाने का बहुत मन कर रहा है, बहुत बहुत, इतना कि मैं तुम्हें बता भी नहीं सकता। तो एक काम करता हूँ, रोनी को कॉल करता हूँ, उससे बर्गर मंगा लेते हैं ना, सही आइडिया। ये पूरा पूरा दिन पतंग उड़ाते रहते हैं, इनकी पतंग नहीं उड़ती यार, भगवान इनकी पतंग उड़वा दो एक बार प्लीज, भगवान प्लीज। उड़ जाएगी तो मुझे भी बता देना। हेलो, कहाँ है? मैं थोड़ा बाहर हूँ। ओए मतलब मार्केट से आते हुए ना बर्गर ले आई हो? बर्गर? हाँ मुझे लग जाएगा अभी, मतलब 20-25 मिनट लग जाएंगे। और तू जितने मर्जी मिनट लगा, पर आते वक्त बर्गर लेकर आई हो? बर्गर कौन से वाला लेकर? वो वाला बड़े वाला लेकर आऊँ जो तब लाल जो महाराजा बर्गर। तू बर्गर ले आ यार खाने के लिए, और कुछ नहीं चाहिए मुझे, बड़ा छोटा टेढ़ा मेढ़ा जैसा मर्जी लगे बर्गर ले आइयो। ठीक है चल मैं ले आऊंगा। चल ठीक है, ओके जल्दी आयो घर पे। ओके हरकतें सुन लो इसकी, कह रहा बड़े वाला बर्गर ले आओ जो लाल कलर का होता है, कुछ नहीं पता कह रहा महाराजा बर्गर जो बहुत बड़ा होता है लाल कलर का। लाल कलर का कौन सा बर्गर होता है यार, एक भगवान यार, एक से एक है। उड़ा नहीं पाएगा, इनकी बस की नहीं है उड़ानी। तुम्हें ना एक मास्टरमाइंड चाहिए जो तुम्हारी पतंग ऊपर लगाए और फिर ऊपर किसी की पतंग रहने ना दे। तुम्हें मेरे जमाने की बातें नहीं पता, मैंने आसमान में एक बंदे की नहीं पतंग रहने दी। जब मैं उड़ाता था ना पतंग तो चिड़िया भी नहीं उड़ती थी डर के मारे। तो मुझे बता हवा किस साइड की चल रही है? हवा हवा इस साइड की चल रही है। किस साइड की? हवा इस साइड की चल रही है। हवा उस साइड की चल रही है। अगर तुम चाहते हो तो मैं उधर उड़ा के खाऊं तुम्हें पतंग, दूसरी साइड जहाँ हवा नहीं चल रही होती ना, मैं उस साइड भी उड़ा देता पतंग। इतनी ऊपर कभी उड़ाई है पतंग तुमने? हमने तो और भी ऊपर उड़ाई है। अगर अभी ये लौंडा पतंग ना उड़ा पाया तो फिर छोड़ दियो पतंग उड़ाना, पढ़ाई पे ध्यान दियो, फिर करियर बनाइयो, ये चीजें छोड़ दियो। भाई ऊपर लगा दी पतंग मैंने, तू तो टैलेंटेड। घर से अकेला तू नहीं कर रहा छोटे पतंग उड़ाने के लिए, वो भी देख वहाँ भी एक बंदा है, उसकी भी पतंग उड़ नहीं रही है, बस वो देखो वो लगा हुआ है, उड़ नहीं रही उसकी पतंग भी, बच्चा। मॉम डैड ने खाना बनाना शुरू कर दिया फिलहाल। मानो या ना मानो सबसे मस्त लाइफ ये जी रहा है, सुबह उठता है उड़ता है इधर उधर, खाना खाता है दबा कर फिर सो जाता है, फिर उड़ता है पंखों पे बैठ जाता है, अभी भी खाना खा रहा है कटोरी के अंदर घुस के। सुबह आज हमने क्या करा, इसको मॉम और अनु इसको सुबह सुबह ना छत पे ले गए और उड़ा दिया, इसने गेड़ी मारी पूरी लेक की साइड की गेड़ी मारी, घूम फिर कर अनु के सर पर आ गया और उसके बाद नीचे आ गया, पूरी सैर कर कर आया मज़ेदार।
और थक गया ना फिर, इसलिए अब इसको खाना पीना भी तो चाहिए, है ना मिट्टू? आज खाने में क्या बन रहा है? हमारा तो घिया है, तुम्हारा पता नहीं ये एक और आइटम है क्या है, पनीर। पनीर और घिया? तो हाँ, हमें से घिया तो कोई खाता नहीं है, तो हमारे लिए पनीर बन रहा है और मम्मी पापा के लिए घिया बन रही है। ये देखो, ये भी आ गया, आ गया, आ गया, बर्गर लेकर आया हुआ है। ओए सुन सुन सुन, तुम उधर मत जा, पापा है, पापा है, मुझे दे दे बर्गर। मम्मी का? मम्मी भी उधर ही है, पापा के सामने देख लो। अनु पता नहीं क्या, अभी तक आया नहीं। उधर मत बोलो कि बर्गर लेकर आया। बर्गर ले आया वो, पर पापा मम्मी को नहीं बोल सकते, क्योंकि पापा मम्मी को पता लगे हम फिर से बाहर का खा रहे हैं तो बहुत डांट पड़ेगी। इसलिए इधर इसको ना रूम में छुपा देता हूँ जब तक अनूप नहीं आया। भाई पापा और मम्मी बहुत गुस्सा करते हैं, आजकल हम बहुत बाहर का खाना लेके तो इसलिए बहुत गुस्सा करते हैं। तो फिलहाल मैं इसको यहाँ रख देता हूँ, लाइट बंद कर देता हूँ। अभी थोड़ी देर में अनूप आ जाएगा, फिर खाते हैं ना, रोनी भी आ जाएगा, फिर खाएंगे साथ में बैठ के। देखते हैं पता नहीं कौन से वाले लेकर आएगा बर्गर। इनकी हरकतें देख लो, ये वो बैठा हुआ है बर्गर खाने की फिराक में, और ये अब आया घर। अभी हम सब ने डिनर कर भी लिया है। अब तो क्या बर्गर खिलाएगा? अब बर्गर खाएंगे, मैं और रानी तो खाएंगे, तू अपना देख ले। बहुत खाया हुआ यार मैंने, मैं से नहीं खाया। तो ये तो शादी में क्या होता है, इसलिए ये तो खा कर आया। मैं और रानी इसके चक्कर में हमने भी नहीं खाया, और अब मम्मी पापा नीचे गए हैं तो अब मैं अपना सामान यहाँ पर ला सकता हूँ। अब बर्गर ले आते हैं, अब खाएंगे। बताओ मॉम डैड का कितना खौफ है, रानी की भी दाद देनी पड़ेगी। वो ना एक दो बर्गर भी लेकर आया, वो चार बर्गर लेकर आया, चार है इसके अंदर। कहता कि हमने सोचा था कि अगर अगर हम कौन जल्दी खाना खाता है ये भी शर्त लगा भी देंगे, तो उसके बाद एक बर्गर टेस्ट से खाएंगे। उसके अपने अलग ही को प्लान चल रहे थे, और दोनों ने डिनर कर लिया दबा के। आज हाँ सेटअप मैंने कर लिया सारा का सारा। उसको उसको अलग ही डर लग रहा है, उसके डर अलग ही लग रहा है, आज मैं हार जाऊंगा। भाई इतनी इतनी हिम्मत हमारे अंदर भी नहीं है कि हम कौन जल्दी खाएगा वो वाला कॉम्पिटिशन कर सके। हार जाऊंगा का मतलब ये मैं जान के हारूंगा, मैं प्यार से खाऊंगा यार। वो आज कंपटीशन है ही नहीं, और कंपटीशन थोड़ी। ओए मुझे एक बात बता, ये तू कौन सी बातें बोल रहा था कि वोला बर्गर लेकर आऊंगा, लाल कलर का सबसे बड़ा बर्गर, महाराजा, कौन सा बर्गर की बात कर रहा था तू? बड़ा पाव बर्गर, उसमें टाइम लगता है, और वैसे भी तूने भी तो बना के आगा, और इसका साले ये इतना बड़ा 5 रुपए वाला, ठीक तो है इसका इसका महाराजा बर्गर ये है। तो तूने बोला ही नहीं मेरे को लाने को, तो सैनिक बर्गर भी नहीं है सैनिक बर्गर भी नहीं है। मुझे फोन पे कह रहा बोला लेकर आओ लाल कलर का, वो बड़े वाला जो सबसे बड़ा बर्गर होता है, महाराजा बर्गर, सैनिक बर्गर। मैंने तीनों को बर्गर दे दिया। अब हमारा आज का कंपटीशन ये है कि कौन स्वाद लेके खाएगा। जल्दी जल्दी कुछ नहीं खाना, अपनी अपनी बकचोदिया करो, प्यारी प्यारी कथाएं सुनाओ। तो बता तू कहाँ गया था? बस यार अपन गया था शादी में, तेरा कहता हमें नहीं सुनना आगे, तू बता। ये तो सबसे इम्पोर्टेंट है, शादी में गया था, इतना ही बोला। अपन गया था शादी में, मेरा कहता किसके साथ गया था शादी में? क्या खाया शादी में? आवाज लेके बोले क्या खाया शादी में? क्या मिलता है शादी में? बता। डिपेंड करता है, अंकित जैसे जगह वाले को तो सिर्फ कॉफी, और नहीं एक और मिलते हैं अंकित को, वो फ्रूट सैलेड। डिपेंड करता है, अंकित जैसी शक्ल वाले को मिलता है सैलेड या फिर कॉफी, फ्रूट सैलेड। अनु जैसी वाली शक्ल को मिलता है खाने में, प्लेट में मिल गया, और रॉनी जैसी शक्ल वाला देता है खाना ये सर्व करता वहाँ पे। सैनिक बर्गर लेकर आया और ढिंढोरा पीट रहा था। लगा दूं आपका? ठीक है यार, तू साहब एको लगा दो। आज सैनिक बर्गर लाया, ठीक है तूने? अरे बात तो इतनी सुनी तूने इसकी, तू क्या कहता? तू तो खा भी गया सारा यार। पता भी क्या, मैं तो खाना नहीं खाया था क्या? नहीं, मैं तो एक बात होता हूँ, जो सच्चे फूडी होते हैं उनका क्या सीन होता है, खाना भी खा ले ना पूरा, उसके बाद भी खा लेते हैं। अंकित तेरे को कौन लगता है सच्चा फूडी? मुझे तो मैं लगता हूँ ज्यादा खाना इज नॉट अ सच्चा फूडी है, हमेशा खाना एक सच्चा फूडी होता है। इसमें एक और पढ़ाई खा ले सुबह तक दोनों के दोनों, तू सच्चा फूडी, तू तो फूडी है ना, पहले खा ले। एक और लाया बताओ, और एक सच्चा फूडी मैंने जैसे कि इनको अभी बताया कि मैं हूँ, मुझे खाना पड़ेगा, मेरा मन नहीं कर रहा, खाना पड़ेगा, लाज भी तो रखनी पड़ेगी ना सच्चा फूडी। खाना नहीं खाएगा तूने मेरे साथ बैठा? तो खाना खाया तो अभी 10 रोटियां खाई है, बैठा तो मजा 10 रोटियां ये जाति का है। अब तुम बता देना सच्चा फूडी कौन है, सच में पूछ रहा हूँ दिल से। इसका एक ही खत्म नहीं हो रहा, उस बेचारे का एक खत्म हो गया। स्वाद लेके खा रहा हूँ, अरे सुबह से खाता रहूँ मैं स्वाद देता हूँ, मैं मग्ध हो चुका हूँ, मंत्र मुग्ध हो गया हूँ मैं। मन मुग्ध, मंत्र मुग्ध होता है, मन मुग्ध। वैसे मंत्र से मुग्ध पता नहीं, मेरे हिसाब से मंत्र मुग्ध होता है। तेरा हिसाब गलत है, मैं सच बता रहा हूँ, मन मुग्ध नहीं होता है, मन मुग्ध होता है। तुम बता देना मन मुग्ध होता है कि मंत्र मुग्ध होता है। इसका पहला बर्गर खत्म नहीं हुआ, मेरा दूसरा भी खत्म होने हुआ। स्वाद लेके खा रहा हूँ भाई मैं। मैं क्या कह रहा हूँ कि फिर गाइस मैं सो जाता हूँ, दीस गाइस आर जस्ट लाइक वाह 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 वाह। एक काम कर रहा हूँ, तू सो जा, मैं देख लूंगा वीडियो कैसे बनानी है, मैं देख लूंगा मैं देख रहा हूँ
देखो गाइस मैं कितनी बड़ी दुविधा में, मैं अपना फूडी आ चुका, मुझे ये भी खाना पड़ेगा। वो भी बस आज बता रहा, पता नहीं क्यों यार, जो बाहर का होता है ना मैं उसको मना नहीं कर पाता। कुत्ते ने खाना नहीं खाया था क्या? खाया था, खाने को तो मैं भी खा लूं, मेरा और अंकित का ऐसे। मैं 10 रोटियां खाई, मैंने 10 रोटियां खाई थी 10। तू सो गया रोनी? या आई एम ट्राइंग टू स्लीप। तू भी सो रहा है? सोने देगा तो सो जाऊंगा। मैं भी सो रहा हूं। मिलते नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और लाइक शेयर भी कर दो, बाय बाय, टेक केयर।